Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, all of you. Good morning, teacher. Mumbai Edit and okay, beta. Mumbai Edit and Unaided Urdu Primary School. Welcome all of you under guidance of Education Officer Mr. Mahesh Palkar Sahab, our BO Mr. Iqbal Sheikh, and our Chairman Nodal of Hi, I'm from Hashmiya High School Primary Section and myself, Salma Amin Sahab Sheikh. This online class is organized by Brihan Mumbai Municipal Corporation. Today we are going to learn English subject of Standard 4 and our topic is Minding the Class. So, let's start. With the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. सारे बच्चे एक मर्तबा पढ़ लेंगे. ठीक है बेटा. Now look at this picture. आप इस पिक्चर को देखेंगे and tell me what is going on. Nick. हाँ बताइए बेटा. कुछ बताइए विच इज शोन इन दिस फिगर. क्या दिखाई दे रहा है आपको ये पिक्चर? कहाँ की है? कहाँ खेल रहे हैं बेटा? स्कूल के. वेरी गुड. दिस पिक्चर इज अबाउट स्कूल, अबाउट आवर क्लासरूम, है ना? कैसे जाने आपने? बिकॉज ऑफ दी ब्लैक बोर्ड. पीछे बोर्ड है. वेरी गुड. बोर्ड है. हां, देयर इज मोर चिल्ड्रन, देयर आर मोर टीचर लिंक. ओके बेटा, है ना? व्हाट इज व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग? क्या कर रहे हैं बच्चे? ड्राइंग कर रहे हैं कोई बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे किताब खेल रहे हैं. बेटा ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें. हां, सम चिल्ड्रन आर पेंटिंग द पिक्चर. कुछ बच्चे बेटा, है ना? ऐसे मुझे आंसर समझ में नहीं आएगा आप लोगों का. ओके, सो सी यहाँ पर देखिए. टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द मैट एंड रीडिंग अ बुक, है ना? दो बच्चे एक चटाई पर बैठे हुए हैं, किताब पढ़ रहे हैं. थ्री चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द बेंच, है ना? और क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो रीडिंग. वो डेस्क पे बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं. वन चिल्ड्रन इज सिटिंग ऑन द डेस्क एंड स्लीपिंग. देखो एक सो रहा है, नजर आया आप लोगों को? सो रही है. अच्छा, सो रही है. ओके, वेरी गुड. एंड वन चिल्ड्रन इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. वन बॉय, है ना? क्या कर रहे हैं बेटा? वन इज लाइंग ऑन द फ्लोर. Okay, now at the left corner, one boy is sitting on the window and looking outside of the window. नजर आ रहा है आपको? सनग्लासेस में एक बैठा बच्चा सनग्लास लगा के बैठा हुआ है, है ना? ये पिक्चर है क्लासरूम की. The students are doing whatever they want. They are playing, they are reading, they are painting a picture, but in a manner, है ना? In a system, एक डिसिप्लिन में ये बच्चे ये सारे काम कर रहे हैं. ओके, क्या लगता है आपको ये डिसिप्लिन क्लास में क्यों है? किस वजह से है? बच्चे भाग नहीं रहे हैं, यहाँ वहाँ मस्ती नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि टीचर है उनकी. वेरी गुड, बिकॉज देयर इज अ टीचर इन अ क्लासरूम. ओके, सी द नेक्स्ट पिक. यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? टीचर बच्चे जा रही है बच्चों को और बच्चे इधर उधर बात कर रहे हैं. हाँ, टीचर इज गोइंग टू टीच देम बट स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, है ना? बिहाइंड और बच्चे बात कर रहे हैं. ओके, नाउ सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पिक. इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है आपको? सब बच्चे बात कर रहे हैं और एक लड़का उन्हें सब चुप बिठा रहा है सबको. वेरी गुड, है ना? सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, आर प्लेइंग एंड व्हाट एवर दे डू, बट वन बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड ट्राई टू माइंड द क्लास. एक बच्चा क्या कर रहा है? वहां पर खड़ा है और क्लास को माइंड कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाई इज डूइंग, क्यों माइंड कर रहा होगा क्लास?
क्यों चुप बिठा रहे सबको? क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। वेरी गुड। हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ नॉइज इज गोइंग ऑन, है ना। हो सकता है बहुत सारा शोर हो रहा होगा क्लास में, वो बिठा रहा है ताकि अदर क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो आज हम यही पढ़ेंगे कि अभी हमेशा क्लास को माइंड कौन करती है? टीचर करती है, लेकिन आज स्टूडेंट्स क्लास को माइंड करेंगे, है ना। आज आप लोगों को आपकी क्लास को माइंड करना है ना। जब टीचर क्लास में ना हो तो क्या करना चाहिए? क्लास में शोर होता है तो आपको आपकी क्लास को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन। वेरी गुड, ताकि अदर क्लासेस डिस्टर्ब ना हो और जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या करे, कॉन्सेंट्रेट कर सके अपनी पढ़ाई पर। ओके बेटा, सो टूडे वी आर गोइंग हाउ टू माइंड द क्लास। ओके, एंड इट इज आवर टॉपिक माइंडिंग द क्लास। माइंडिंग द क्लास। सी एट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63। पेज नंबर 63, आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 ओपन कीजिए, है ना। दिस टॉपिक माइंडिंग द क्लास इज ऑन द पेज नंबर 63, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू माइंड द क्लास। अब देखो इस क्लास में हो रहा क्या है, ये हम एक स्टोरी के थ्रू जाएंगे क्या होता क्या है, और फिर ये जो बच्चा है ये करेगा क्या, है ना। हाउ दिस बॉय इज माइंड द क्लास। अब ये बच्चा जो भी बोलेगा ना, दिस ऑल आर ही टॉक इन इंग्लिश ओनली। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स आर लर्निंग समथिंग, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड द टीचर इज स्टैंड बिहाइंड हिम। ओके, इनके पीछे देखो टीचर खड़े हैं। अब टीचर ने पढ़ा दिए, अब क्या हुआ है, टीचर को कुछ काम से, टीचर वॉन्ट्स टू गो एट द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। ठीक है, अब देखो He is went from the classroom. अब क्या हो रहा है क्लासरूम में? मस्ती हो रही है। Very good. मस्ती हो रही। क्या क्या कर रहे हैं? What are they are doing? मिस बोर्ड पे ड्राइंग बना रही है। Very good. One boy is go, है ना, is draw the picture on the board. One girl is drinking, है ना, juice. There is और एक लड़की pages पढ़ रही है पे. दो लड़कियां देखो पीछे बातें कर रही है। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ, जो सर थे उनको बहुत आवाजें आने लगी। ठीक है, सर को बहुत आवाजें आने लगी शोर की ऑफिस में, तो सर ने क्या किए, एक बच्चे को वहां से बुलाए, एंड ही इज आमिर, हिज नेम इज आमिर, है ना। हो सकता है ये उस क्लास का मॉनिटर हो, है ना। सर ने कहा आमिर, देन आमिर से यस सर, है ना। आमिर सेड यस सर। अब सर ने क्या उसको कहा, क्या ऑर्डर दिया? गो एंड माइंड द क्लास प्लीज। अब देखो क्या कहा, जाओ और क्लास को माइंड करो, है ना, क्लास को जरा संभालो, देखो, है ना, प्लीज मेहरबानी करके बेटा जरा जाके क्लास को क्या करो, माइंड। वेरी गुड, गो एंड माइंड द क्लास प्लीज, आमिर सेड। ओके सर। अब देखो आमिर गया है क्लासरूम में, नजर आया आपको राइट कॉर्नर में, आमिर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो उसने क्या किया, क्लास को माइंड करना स्टार्ट कर दिया है, है ना। अब उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आमिर ने कहा, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। वेरी गुड, व्हाट इट्स मीन, प्लीज कीप क्वाइट, क्या मतलब होगा बेटा? प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज मींस राहे करम, है ना, मेहरबानी करके क्या हो जाए, चुप हो जाए, खामोश रहें, खामोश हो जाए, है ना। क्वाइट मीन्स कीप क्वाइट मीन्स क्या होना, खामोश हो जाना, है ना, चुप बैठ जाना, वो क्या कह रहा है। अब देखो प्लीज यहाँ पर प्लीज वर्ड यूज हो रहा है ना बेटा, जब भी किसी सेंटेंस के आगे प्लीज यूज होता है ना तो हम उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ वो कहता है कीप क्वाइट देन इट्स ऑर्डर, बट प्लीज कीप क्वाइट इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना। आमिर जब क्लास में गया तो उसने सब बच्चों से रिक्वेस्ट की, प्लीज कीप क्वाइट, मेहरबानी करके खामोश हो जाएं।
अब देखो बच्चे सुने उसकी बात नहीं नहीं दे डिडंट लिसन हिम ओके क्या कहा लिसन टू मी मींस व्हाट बेटा मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो है ना क्या कहा उसने मेरी बात सुनो लिसन टू मी देखो अब इस लिसन वर्ड में टी क्या होगा साइलेंट हो जाएगा टी इज अ साइलेंट वर्ड टी का साउंड नहीं आएगा लिसन टू मी ओके मेरी बात सुनिए अब भी बच्चे नहीं माने देन ही टेल चुप रहिए प्लीज मेहरबानी करके खामोश हो जाइए मेहरबानी करके चुप हो जाइए है ना क्या कहा उसने चुप हो जाइए प्लीज खामोश हो जाइए है ना उसने बहुत समझाने की कोशिश की अब इसने ऑर्डर क्या दिया साइलेंस साइलेंस प्लीज इसने क्या की रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके खामोश हो जाइए तब भी कोई नहीं मान रहा है ना तब देखो अब उसने क्या कहा नो टॉकिंग हाँ बात ना करें आगे जो कौन सा वर्ड है बेटा क्या पढ़ोगे आप उसको क्या है ये क्या है क्या कहते हैं इसे इट्स अ साउंड है ना ये क्या है एक तरीके का साउंड है ना क्लास में आप लोग यूज करते हो ना टीचर बोलते हैं ना खामोश हो जाएं कोई बात ना करे इट्स अ साउंड ओके बेटा नो टॉकिंग बात ना करे कोई भी बात ना करे इट्स अ साउंड है ना हम इसको एस 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 एच नहीं पढ़ेंगे है ना हम इसको क्या कहेंगे ओके बेटा आप लोग बतवाइए पढ़कर क्या करोगे इसको नो टॉकिंग फिर कौन सा साउंड रहेगा वेरी गुड नो टॉकिंग इसने समझाया बट नोबडी ओबे हिम नाउ अभी भी इसको किस किसकी बात किसी ने नहीं सुना इसने कहा इसने किया नो टॉकिंग कहा तब भी आमिर की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है Now he requests him. इसने फिर से request की. Listen, no noise please. He requests them. Listen, no noise please. क्या कहा उसने? Listen, no noise please. सुनिए. क्या कीजिए? No noise please. क्या नहीं करें? आवाज मत कीजिए. आवाज मत करिए. हाँ मेरी बात सुनिए आवाज नहीं कीजिए बेटा वॉइस के लिए आवाज होता है ना वी ओ आई सी ई वॉइस का मतलब होता है आवाज यहाँ पे नॉइज है नॉइज नॉइज मींस क्या होगा बोलिए शांति रखिए हाँ नॉइज मींस व्हाट नो नॉइज देखो हॉस्पिटल के बाहर भी बोर्ड लिखा हुआ होता है ना नॉइज मीन्स नो नॉइज मीन्स होता है शोर नॉइज का मतलब होता है शोर करना नॉइज का मतलब क्या होता है शोर करना तो आमिर ने क्या कहा लिसन नो नॉइज प्लीज शोर ना करें मेहरबानी करके शोर ना करें सुनिए है ना आमिर इनको कंटिन्यूसली समझाते जा रहा है बट दे डिडंट ओबे हिम वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे ओके अब आमिर ने कहा कीप क्वाइट एवरीवन क्या कहा आमिर ने कीप क्वाइट एवरीवन सब चुप हो जाओ हाँ नाउ ही ऑर्डर्ड कीप क्वाइट एवरीवन हर कोई क्या हो जाए खामोश हो जाए एवरीवन मींस व्हाट बेटा सब लोग हर एक एवरीवन मींस हर एक एवरीवन का मतलब क्या होता है हर एक है ना जैसे कहते हैं ना एवरी ईयर मतलब हर साल एवरी नाइट है ना हर रात एवरी मीन्स होता है हर और एवरी वन मीन्स हर एक यहाँ पर जितने भी क्लास में मौजूद हैं उसने सबसे कहा कीप क्वाइट एवरीवन
हर एक खामोश हो जाइए, हर कोई खामोश हो जाइए। अब उसने किससे कहा था एवरीवन ना, अब उसने किससे कहा था आमिर ने, खामोश रहने के लिए हर एक से, है ना। तो अब वो अपनी बात को और थोड़ा सा वजन बताने के लिए क्या कह रहा है, एंड आई मीन एवरीवन, एंड आई मीन एवरीवन, उसका मतलब क्या हुआ, मैं किससे कह रहा हूँ, आई मीन टू से एवरीवन, मैं किससे कह रहा हूँ, मेरा मतलब किससे है, हर एक से है। मैंने कीप क्वाइट करने कहा है ना, क्लासरूम में साइलेंट रहने के लिए कहा है, कीप क्वाइट चुप रहने के लिए कहा है, तो किसे कहा है, हर एक से कहा है, मेरा मतलब हर एक से है, एंड आई मीन एवरीवन, हर एक को कह रहा हूँ मैं, खामोश हो जाइए। फिर भी बच्चे बात सुनने तैयार नहीं हैं, है ना, दे स्टैंड ऑफ हिम, वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, है ना, तो क्या दे आर नॉट रेडी टू लिसन हिम, वो बच्चे उसकी बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार है आमिर के लिए। तब आमिर ने एक और ऑर्डर दिया, साइलेंस इन द क्लासरूम। अब मुझे बताइए साइलेंस मींस व्हाट, चुप। हाँ साइलेंस मतलब चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। कहाँ पर खामोश रहने के लिए कह रहा है वो, क्लासरूम में, क्लास। हाँ बिकॉज दे डूइंग मिसचीफ, ये लोग क्या कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही से साइलेंस इन द क्लासरूम। वो क्या कह रहा है कि क्लासरूम में खामोश हो जाइए। विनीता स्टॉप टॉकिंग, चलिए बताइए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विनीता, उसको बोल रहे कि बात मत करो। Very good. It's the name of a girl. Vinita is the name of a girl. क्या है, एक लड़की का नाम है, है ना, विनीता। तब उसने क्या किया, अब जोर किस बात पर दिया, विनीता को कह रहा है, कब से बच्चे खामोशी नहीं बैठ रहे ना, तब उसने विनीता को आवाज दी, विनीता सुनी नहीं रही है। देखो पीछे आप लोग देख रहे हो, पिक्चर में नजर आ रही है आपको विनीता, स्टॉप टॉकिंग, वो कंटिन्यूसली बातें करते हुए जा रही है ना। विनीता क्या कर रही है, कम्प्लीटली मतलब बातें ही करती जा रही है कंटिन्यूसली। तब इसने क्या किया है, ये क्या कर रही है, विनीता छुपी नहीं बैठी, देन ही सेड विनीता स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दो। स्टॉप टॉकिंग एट वंस, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम सबको बोल रहा हूँ कि बात मत करो, बात मत करो, मत करो, सुनते ही नहीं हो, है ना, यही मतलब है। क्या कह रहा है वो, स्टॉप टॉकिंग एट वंस, है ना, अब वो चिढ़ रहा है, अरे बेटा कब से समझा रहा हूँ बच्चे तुम लोगों को, ये इसके फ्रेंड्स है ना, कब से समझा रहे, सुन ही नहीं रहे। तो वो क्या कह रहा है, स्टॉप टॉकिंग एट वंस, सब एक साथ में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में आएगी, हाँ आप लोग इस तरीके से जोर से शोर करके क्लास में बात करोगे समझ में आएगा क्या किसी के। तो वो क्या कह रहा है, ये जो एक साथ में आप लोग बातें कर रहे हो ना, ये छोड़ दो, स्टॉप टॉकिंग एट वंस, ऐसा एक साथ में सबके सब बातें करेंगे तो क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब होगी ना, नॉइज होगा क्लास में। नाउ ही आस्क द क्वेश्चन, अब इसने क्या किया, ये माइंड कर रहा है क्लास में, अब इसने पहले विनीता को बोला कि विनीता बात करना बंद करो, अब वो क्या पूछ रहा है, who they talking in the corner, it's who or who is, वो मतलब कौन, कौन, हाँ लेकिन कॉर्नर पे बात कर रहा है, वेरी गुड, बट आपको एक इसमें मार्क नजर आ रहा है ना, हु और एस के बीच में एक मार्क है, है ना, इट्स पंक्चुएशन मार्क, इसे क्या कहते हैं, किसी को पता है क्या, इस मार्क को क्या कहते हैं, वेरी गुड, हुज फॉर शॉर्ट, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म एंड इट्स फुल फॉर्म इज हु इज, बट मैं इस मार्क के बारे में पूछ रही हूँ जो हु और एस, ओ और एस के बीच में है, है ना, अबो साइड, ऊपर साइड में देखो एक मार्क है, नो इट्स नॉट फॉर, नो बेटा ठीक है, चलो हम बाद में ये लेसन कंप्लीट होता है तब हम ये देखेंगे कि इस मार्क को क्या कहते हैं, और इसी तरीके के और भी मार्क्स है पंक्चुएशन मार्क्स, हम उसके बारे में भी जानेंगे, चलो अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, ओके पे अटेंशन हियर, हु इज देयर टॉकिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर मींस कोने में, है ना, कोने में कौन बात कर रहा है, हाँ
आमिर आस्क्ड हु इज दैट टॉकिंग इन द कॉर्नर, कोने में कौन बात कर रहा है, कब से आमिर पूछ रहा है ना बत मत बात मत बातें करो, इतना ऑर्डर दे रहा है सुन ही नहीं रहे, तब वो क्या पूछ रहा है कि हु इज दैट टॉकिंग इन द कॉर्नर, कौन है जो पीछे बातें किए जा रहा है, हु इज टॉकिंग एट द बैक। अब मुझे बताओ बैक का मतलब क्या हुआ, पीछे, वेरी गुड, बैक मीन्स पीछे और फ्रंट का, बैक का अपोजिट होता है फ्रंट, फ्रंट मीन्स आगे, आमिर क्या पूछ रहा है कि पीछे कौन बात कर रहा है, पीछे कौन बात कर रहा है, वेरी गुड, हु इज टॉकिंग एट द बैक, कौन पीछे बातें करे जा रहा है, क्योंकि अभी भी क्लास कंट्रोल में आ ही नहीं रही है ना, तो अब इसको क्या हो गया, आमिर पूछ रहा है कि कौन पीछे बातें कर रहा है। ओके इसका मतलब क्या हुआ, what it's mean? क्या मतलब है इसका? बैठ जाओ। क्या करो? बैठ जाओ। नहीं नहीं यहाँ पर सिट डाउन वगैरह वर्ड ही यूज नहीं है, है ना, यहाँ पर क्या सेंटेंस यूज हो रहा है, पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब क्या, Does anyone know what it's mean? Attention. सब अच्छे से रहो। क्या बेटा कौन सा? हाँ क्या करो अच्छे से रहो? No बेटा, attention का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर तवज्जा देना, है ना? Concentrate करना, ध्यान देना, attention. आपने सुने हो army में बोलते ना attention. दिया जाता है ना order. Very good. यहाँ पर आमिर भी यही कर रहा कह रहा है पे अटेंशन, ध्यान दे मेरे तरफ। हाँ वेरी गुड, आमिर आमिर जब बोल रहा है कि पे अटेंशन, आमिर सेड पे अटेंशन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मींस व्हाट बेटा, सब बच्चे, हर एक, वेरी गुड। अच्छा अभी एवरीबॉडी से पहले एक वर्ड और आया था सेम मीनिंग, क्या था उसका, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एवरीबॉडी से पहले, है ना, जैसे आप लोग बोले ना हर एक, everyone, very good, very nice, है ना, everyone, everybody, everybody, same meaning, इन दोनों का मतलब क्या है, same है, है ना, everybody and everyone have same meanings, इनका मतलब एक ही है कि हर कोई या हर एक, pay attention everybody, आमिर ने कहा pay attention everybody, okay, Look here, be quiet. Look here, be quiet. मुझे देखो, चुप बैठो। हाँ, look मुझे देखो नहीं। Look here, यहाँ देखो। Here means यहाँ। यहाँ देखो और quiet। और क्या करो? चुप हो जाओ। Look here, be quiet। क्या कहा उसने? यहाँ देखो और चुप हो जाओ। चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। Look here, be quiet। मतलब क्या हो जाइए? खामोश हो जाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए, लुक हियर, ओके। अब बच्चे क्या किए, अब आमिर इतनी देर से चिल्ला रहा था, अब क्या हो गए हैं, बच्चे बिल्कुल खामोश बैठ गए, है ना, अब क्या हुआ बताइए, अब क्या हो गया है, क्लास क्या हो गई, शांत हो गई, शांत, हाँ शांत हो गई, कंट्रोल में आ गई, हाँ तब इसने क्या कहा बच्चों को, गुड, गुड, गुड मीन्स अच्छा है, अच्छा, ना? उसने क्या कहा, गुड, अब मुझे बताओ गुड इज एन ऑर्डर, क्या गुड को हम ऑर्डर, गुड इज अ ऑर्डर बेटा, नो नो, इट्स अ एप्रिशिएटेड वर्ड, ओके बेटा, इसे क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन वर्ड कहते हैं ना, या फिर हाँ, अब बच्चे क्या हो गए कंट्रोल, हाँ इसलिए इसने क्या किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया, क्या कहा, गुड, एंड उसका नेक्स्ट ऑर्डर था, अब इसके बाद में उसने बच्चों को ऑर्डर दिया है, नाउ लुक एट मी एंड लुक एट मी एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अब देखो क्लास कंट्रोल में आ गई, है ना, अब सब चुपचाप बैठ गए, बिल्कुल अच्छे बच्चे बन गए, है ना, तब आमिर ने क्या कहा, नाउ लुक एट मी एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली, क्या कहा आमिर ने, कि अब मेरी तरफ देखिए और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
वेरी गुड, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनिए. अभी मैंने अटेंशन वर्ड यूज किया था ना, है ना, पे अटेंशन. तो अटेंशन का मतलब भी तवज्जो, और केयरफुली है ना, इसका मतलब भी क्या हुआ, तवज्जो. आई यूज द वर्ड है ना अटेंशन बिफोर दिस, एंड केयरफुली ऑल्सो मीन्स तवज्जो, ध्यान से सुनना. आमिर ने अब जब बच्चे क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, खामोश हो गए, तो इसने कहा नाउ लुक एट मी एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली. मुझे समझ आया बेटा आप लोगों को? ओके, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? ओके, यस अंडरस्टूड. यस वी, वेरी गुड. चलिए अब मेरे बाद में आप पढ़ेंगे. हाँ, नाउ रिपीट आफ्टर मी प्लीज. मैं पढ़ा लूं बेटा? पहले मैं पढ़ूंगी एक सेंटेंस, उसके बाद आप पढ़ेंगे. ओके, प्लीज कीप क्वाइट. प्लीज कीप क्वाइट. लिसन टू मी. लिसन टू मी. साइलेंस साइलेंस प्लीज. साइलेंस साइलेंस प्लीज. नो टॉकिंग. नो टॉकिंग. नो टॉकिंग. नो टॉकिंग. साउंड नहीं निकाले आप लोगों ने. नो टॉकिंग. नो टॉकिंग. नो टॉकिंग. वेरी गुड. लिसन. नो नॉइज प्लीज. लिसन. नो नॉइज प्लीज. कीप क्वाइट एवरीवन. कीप क्वाइट एवरीवन. कीप क्वाइट एवरीवन. एंड आई मीन एवरीवन. एंड आई मीन एवरीवन. And I mean everyone. Silence in the classroom. Silence in the classroom. Vinita, stop talking. Vinita, stop talking. Stop talking. Stop talking at once. Stop talking at once. Who's there talking in the corners? Who's there talking in the corner? Who's talking at the back? Who's talking at the back? In the back. Pay attention, everybody. Pay attention, everybody. Pay attention, everybody. Look here. Look here. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Good. 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 Now look at me. Now look at me. And listen. And listen very, very carefully. Very, very, very carefully. अब आप लोगों को समझ में आया? मिस एक बार बेटा अभी आगे पहले कर लें, उसके बाद में इंशाल्लाह. ठीक है बेटा, आप लोगों के सामने टेक्स्ट है ना, उसके बाद में इंशाल्लाह देखते हैं बेटा. पहले मैं जरा आपको पंक्चुएशन मार्क्स भी बताना है ना, वो देखते हैं. अच्छा अब मुझे पता है पंक्चुएशन मार्क्स, आप लोग उर्दू लिखते हैं ना टेक्स्ट बुक में? पंक्चुएशन मार्क यूज होते हैं क्या आप लोग जो सेंटेंसेस लिखते हो, क्या इंग्लिश में ही है इसकी पंक्चुएशन मार्क्स? होते हैं. बताइए उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना बेटा सेंटेंस के आखिर में, है ना, या बीच में, तो हम उसे क्या कहते हैं, रमूज़ो औक़ाफ़, है ना. तो इंग्लिश में इसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स. अब आपके सामने एक सेंटेंस है, अब आपको क्या करना है इस सेंटेंस में मुझे बताना है, इज देयर एनी पंक्चुएशन मार्क यूज इन दिस सेंटेंस? लिसन. नो नॉइज प्लीज. है यूज किया हुआ है कोई पंक्चुएशन मार्क? अच्छा कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज है, चलिए बताइए विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज. कॉमा. कहाँ पर है कॉमा? नो नॉइज. वेरी गुड. नो नॉइज के बाजू में. After no noise, okay, है ना, no noise के बाद में comma का marking है, okay. और कौन से mark है, आप किसे पहचानते हो? Very good, full stop at the end of the sentence. हाँ, very good, at the end of the sentence. Sentence के end में full stop है. और एक mark नजर आ रहा है बेटा white color में? Listen के बाद में. हाँ. इस क्या कहते हैं इसे? कौन सा निशान है ये? निशान.
हिजाइया निशान, वेरी गुड, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब हम किसी को है ना कोई जज्बात का इजहार करते हैं, किसी चीज पर जोर देते हैं ना, वाओ ओश ऐसे है ना, तब हम क्या कहते हैं, फजाइया निशान का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एट द सेंटेंस व्हेन वी शो आवर एक्सप्रेशंस, है ना, जब हम अपने एक्सप्रेशन या जज्बात को जाहिर करते हैं। ओके, आफ्टर नो नॉइज द कॉमा इज देयर, हाँ इसे क्या कहते हैं, कॉमा, दिस मार्क इज कॉल्ड कॉमा। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वेरी गुड, फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस खत्म हो गया है ना, देन इट्स यूज्ड फुल स्टॉप। और जब हम किसी चीज सेंटेंस में पॉज लेते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो है लिटिल पॉज, देन इट्स कॉल्ड जस्ट कॉमा, नो नॉइज प्लीज। तो देखो नॉइज के बाद अगर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है ना, लिटिल पॉज, देन इट्स वी यूज्ड कॉमा। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज्ड फुल स्टॉप, हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, Now see the next question. Who's that talking in the corner? Miss Woods. Miss Woods के पास वो एक है वो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, Woods के है ना, who और है ना, Woods के पास है, आपको एक mark नजर आ रहा है ना। Comma है वो। और कहाँ नजर आ रहा है? Corner के बाजू में Miss question mark. Very good. At the end of the sentence, corner के बाद में है जो, उसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, question mark है। लेकिन whose है ना बेटा, whose, उसके पास जो mark है उसे हम कहते हैं apostrophe। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल comma की तरह होता है, लेकिन हम इसे कहाँ लगाते हैं, ऊपर, contraction form जो होते हैं ना, contraction form, उसके इस्तेमाल में हम क्या कहते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे देखो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, क्या बेटा, कभी कभी कॉमा है। हाँ अब मैं आपको, ये जो दो होता है ना बेटा, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी है, जैसे यहाँ पर हुज है, तो इट्स हु इज, ये यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये क्या है, हु इज, तो यहाँ पर जो यूज किया हुआ है मार्क, इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। कॉमा हमेशा नीचे लगाया जाता है, और आप जो दो कॉमा की बात कर रहे हैं, हम उसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ओके बेटा, अब जैसे लास्ट में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता है, सवाल या निशान। अब देखो मैंने आपको कहा ना, ये एपोस्ट्रॉफी एक और जगह आपने देखा होगा, आपको नजर आ रहा है रेड कलर में लिखा हुआ है आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल, है ना, तो फुल फॉर्म क्या है, आई विल, टीचर। तो देखो आई और डबल एल के बीच में जो मार्क यूज किया हुआ है, उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ओके, और एक वर्ड है जिसमें आपने ये वर्ड देखा होगा, डोंट, देखो इसे हम पढ़ेंगे डोंट, है ना, हम इसे क्या पढ़ेंगे, डोंट, है ना, हाँ डोंट। और ये एपोस्ट्रोफी मार्क है, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हाँ, तो हम क्या कहेंगे, डू नॉट, डू नॉट, Do not. क्या कहेंगे हम, Do not. हाँ, apostrophe की स्पेलिंग बेटा एक बार ध्यान से देखो, apostro, r और p के बीच में क्या आएगा, o, phe, apostrophe। ओके बेटा, यहाँ पर o मिडल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग है apostrophe। ओके बेटा, आपको ये मार्क समझ में आ गया? ओके, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी गिवन मी एन आंसर। ओके, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको मुझे उसके आंसर्स देना है। नाउ इट्स टाइम ऑफ रिवीजन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who is minding the class in absence of teacher? Amir. पहले इसका मतलब समझ में आ गया? Who is minding the class in absence of teacher? आपको मैंने जो लेसन पढ़ाया है उसमें क्लास को माइंड कर रहा था टीचर, देखिए अभी आप तीन ऑप्शन है आपके पास, अमीर, पुलिसमैन, मॉनिटर और पोस्टमैन। मॉनिटर 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 कंफर्म कंफर्म
ओके लॉक कर लूं? यस मिस। वेरी गुड। आंसर इज मॉनिटर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, which exclamation word is used to mind the class? अब देखो मैं तीन वर्ड्स आपके सामने रहेंगे, आपको मुझे बताना है कि कौन सा वर्ड हमने टेक्स्ट बुक में या फिर इसमें यूज किया हुआ है क्लास को माइंड करने के लिए। द फर्स्ट वर्ड इज, सेकेंड वाओ, एंड द थर्ड इज हुर्रा। टीचर पहला वाला, टीचर पहला वाला, टीचर पहला वाला, श वाला। बोलिए फर्स्ट वन है ना, द आंसर इज द फर्स्ट वन एंड इट्स, इट्स क्या था, कौन सा आंसर था वो? चलिए बोलिए कौन सा आंसर है। वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिकॉग्नाइज क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने तीन ऑप्शन है, आपको मुझे बताना है इसमें से क्वेश्चन मार्क कौन सा है। ऑप्शन बी यहाँ पर एंड ऑप्शन सी। मिस ऑप्शन ए, मिस ऑप्शन ए, मिस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए। Now the next question. Find the odd man out, है ना? आपको क्या करना है, odd man जो भी है आपको कौन सा लग रहा है उसको बाहर निकालना है। आपको कौन सा लग रहा है इसमें से अलग है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी में है कीप क्वाइट एंड ऑप्शन सी इज लुक हियर। इज गुड, 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 गुड। क्यों लग रहा है ऐसा बताइए? क्योंकि वो अलग है। अलग है, क्यों वो अलग है? बिकॉज इट इज इन येलो कलर, येलो कलर में इसलिए अलग है। नो मिस। एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? चलिए बोलिए क्यों आपको लग रहा है गुड अलग है तीनों में से? क्योंकि वो अच्छा है और कीप क्वाइट मतलब चुप बैठो, लुक है मतलब देखो, गुड अच्छा है बाकी सब बुरे हैं इसलिए नहीं। नो मिस। देखो गुड अच्छा है, वेरी गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, जबकि कीप क्वाइट और लुक हियर ये ऑर्डर है ना, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। यस मिस। कीप क्वाइट, लुक हियर, ये सब ऑर्डर है, गुड ऑर्डर नहीं है, इट्स एन एप्रिसिएशन है ना, मैंने आपको एप्रिसिएशन के तौर पर गुड कहा है, दैट्स व्हाई इट इज द ऑड वन। Now the last question is find the odd man out. Attention, option B carefully and the option C is silence. Silence. Miss carefully. Silence. अच्छा कोई carefully कह रहा है, कोई silence कह रहा है, बताइए किसके answer को lock करना है? क्या है answer? Silence. साइलेंस। क्यों बेटा साइलेंस क्यों? व्हाई द साइलेंस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो अटेंशन एंड केयरफुली हैव द सेम मीनिंग है ना, अटेंशन का मतलब होता है तवज्जा देना, केयरफुली मतलब ध्यान से, साइलेंस ना, अटेंशन और केयरफुली ना एक वर्ड है। हाँ एक ही, उनकी मीनिंग सेम है बट साइलेंस का मतलब होता है खामोश रहना, चुप हो जाना। ओके दैट्स व्हाई द आंसर इज द साइलेंस। अब आपको बेटा चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी। ओके अब आपको क्या की जाएगी, गूगल फॉर्म की लिंक चैट बॉक्स में सेंड की जाएगी। आपको क्या करना है, ये फॉर्म के लिंक जब आप भरोगे, गूगल फॉर्म को फिल करोगे, तब आपको क्या मिलेगा बेटा? सर्टिफिकेट। वेरी गुड, क्या मिलेगा आपको? सर्टिफिकेट। और उसकी पिक क्या करना है आपको, आपके टीचर को ग्रुप में सेंड करनी है, जो सर्टिफिकेट है ना उसको क्या करना है,
सेंड करना है. ओके बेटा, आपको चैट बॉक्स में लिंक भेजी जा रही है, आप लोग उसे फिल करोगे. नाउ इट्स टाइम ऑफ होमवर्क. देखिए जावेद सर ने आप लोगों को दे दिए हैं लिंक ग्रुप में, नजर आ रहा है बेटा चैट बॉक्स में? टेलीग्राम की है. टेलीग्राम की है? यस प्लीज. ओके देखते हैं बेटा, मैं सेंड मिला बेटा शगुफ्ता मिस ने भेजे. एंड yes. अभी आप लोग फिलहाल यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इट्स योर होमवर्क. राइट एनी फाइव सेंटेंसेस विच यू विल यूज टू माइंड योर क्लास. अब आप लोग क्लास को माइंड करना सीख गए हो ना, एंड यू हैव टू बी गिव एन ऑर्डर इन इंग्लिश ओनली, एंड दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस होमवर्क. Write any five sentences which you will use to mind your class. आपको क्या करना है, पांच sentences लिखना है जो आप class को mind करते वक्त use करोगे, है ना? And it is your homework. इसका snapshot ले लो बेटा, screenshot ले लो. आप पांच sentences लिखोगे और ये लिखने के बाद में आपके miss को आपके WhatsApp group में send करोगे. Okay बेटा, hope you understand. Lesson समझ में आ गया बेटा? आप लोगों ने ले लिए screenshot? टीचर.